नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि ये किताब एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो आपका मिसलेनियस है आखिरी में दिया गया है, उसका हम लोग आज स्टार्ट यहाँ करेंगे। और सबसे पहला जो चैप्टर आपका है पर्सनैलिटी, तो सब्जेक्ट आपका मिसलेनियस होगा और चैप्टर नंबर 1 पर्सनैलिटीज का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल आपका 219 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। उसको हम दो पार्ट में कवर, दो या तीन पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 पर्सनैलिटीज का पहला क्वेश्चन। तो हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनिल सहस्रबुद्धे। 2 है फाइंड द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। 2 का ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र सिंह धोनी, बाकी नीता विलियम, कल्पना चावला और राकेश शर्मा आपके जो एस्ट्रोनॉट थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हु अमंग दिस यूनियन मिनिस्टर्स इन द पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट बिलोंग टू द शिवसेना पार्टी। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी अनंत गीत है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार एस मार्च 2018। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक। अब आपके हैं फागु चौहान, नया फागु चौहान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंडियन अमेरिकन इज द सीईओ ऑफ एडोब सिस्टम। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी शांतनु नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर PMESC एस ऑफ फरवरी 2018। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी विवेक देवराय। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एस ऑफ फरवरी 2018। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज द MD एस CEO ऑफ अलाहाबाद बैंक एस ऑफ मार्च 2018। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उषा अनंथा सुब्रमण्यम। 9 है इंडिया करेंट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ठीक है। तो अभी आप ये जो है हट गए, मतलब कि इनका देहांत हो गया, ठीक है। उनकी जगह पर निर्मला सीतारमन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज द फर्स्ट फीमेल पायलट टू बी इंडक्टेड इन टू द इंडियन नेवी इन 2017। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुभांगी स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इंडियन अमेरिकन इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस्टिजियस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन CFCC ऑफ द यूनाइटेड नेशन एस ऑफ मार्च 2018। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अजीत राय, ठीक है, अजीत राय होगा, ठीक है। कुछ आपका जो है 12 नंबर है द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दैट वॉज अनविल्ड एट इज रामेश्वरम मेमोरियल बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी डिपिक्ट सिम प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वीणा। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ए फ्री हाउसहोल्ड पावर कनेक्शन स्कीम कॉल्ड प्रकाश है। तो विकास है फॉर द पुअर इन द स्टेट टू मार्क फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोहम्मद नासिद ऑफ मालदीव इज नॉट ग्रेट। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी ही वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट मैमून अब्दुल गयूम, यह गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 15 है हु टुक ओवर एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टाटा सन ओन्ड विस्तरा एयरलाइन इन 2016 प्रायर टू हिज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइटन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 15 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी भास्कर भट्ट। 16 है हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नासकॉम। तो आपका 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देवजानी घोष। 17 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। 17 का ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। 18 नंबर क्वेश्चन है नेम द ओनली US प्रेसिडेंट हु आल्सो सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट US सुप्रीम कोर्ट। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम हॉवर्ड टैफ्ट। 19 है हु हैज टेकन ओवर चार्ज एज द न्यू IGP ऑफ कश्मीर। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी स्वयं प्रकाश पानी। 20 क्वेश्चन है व्हाट हु इज द चेयरमैन ऑफ नबार्ड एज ऑफ जुलाई 2018। तो 20 का ऑप्शन अभी डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इज लेड बाय एन चंद्र बाबू नायडू। तो 21 का ऑप्शन अभी तेलुगु देशम पार्टी। 22 है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो 22 का ऑप्शन है सैयद ताहिरा सफदार। 23 है सैयद सत्यपाल मलिक वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ डैश वाइस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी बिहार। 24 है इन 2018 हु टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो 24 का ऑप्शन भी अब है। नेक्स्ट आपका 25 हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वॉन इन एज द गवर्नर ऑफ असम इन अक्टूबर 2017।
25 जगदीश मुखी। 26 है विच आइलैंड वाज नेम्ड आफ्टर अब्दुल कलाम ऑन 27 जुलाई 2017 इन उड़ीसा। तो आपका जो है 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलर आइलैंड। नेक्स्ट आपका है 27 एज मेनी एज 6117 कुचिपुड़ी और आंसर सेट ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग टुगेदर इन ए सिंगल इवेंटेड। तो 27 का ऑप्शन नंबर है विजयवाड़ा। 28 ऐसा भगत 2018 हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 28 का ऑप्शन नंबर है दीपक मिश्रा। 29 है हु इंट्रोड्यूस्ड द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2017 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 29 का सी अरुण जेटली। 30 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी वाई वी रेड्डी। 31 है हु अमिडस्ट द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विश्ड पार्ट पेंटर। तो 31 का ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। 32 है लैंस नाइक हनुमान थप्पा कोपाड़ हु वाज बरीड अलाइव अंडर स्नो बाय डेडली अवलांच एट सियाचिन ग्लेशियर हु लेटर डाइड इन हॉस्पिटल आफ्टर ही वाज मिराकुलसली रेस्क्यूड बाय आर्मी वाज ए सोल्जर ऑफ। तो 32 का आंसर ऑप्शन बी मद्रास रेजिमेंट। ठीक है क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है चांदी चंदी प्रसाद भट्ट। चंदी प्रसाद भट्ट इज वेल नोन। तो 33 का ऑप्शन नंबर इन्वायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविटीज। 34 है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अटेंड द रिसेंटली ऑर्गेनाइज रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भूटान। 35 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार। तो 35 का ऑप्शन नंबर हितिन पोक्याओ। 36 है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए रेनोवेट वोकलिस्ट। तो 36 का ऑप्शन नंबर पंडित जसराज। 37 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पर्सन आउटसाइड इंडियन नेवी टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। 37 का ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह। 38 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाई बी रेड्डी। 39 है बी आर कृष्णा अय्यर हु पास्ड इन दिसंबर 2014 वाज। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी इमिनेंट जूरिस्ट। 40 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाई बी रेड्डी। 41 है हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2015। तो 41 का ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। 42 है श्री एन एन बोहरा हु सबमिटेड बोहरा कमिटी रिपोर्ट ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्पेशली गवर्नर ऑफ। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। 43 है आलोक रावत इज एसोसिएटेड विद। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 44 है हु वाज द एडिटर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर केसरी। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। 45 है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेनोवेड इंडियन क्लासिकल डांसर। 45 का ऑप्शन नंबर सी सोनल मानसिंह। ठीक है क्वेश्चन आपका 46 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज ओवरथ्रोन बाय द बोल्शेविक्स इन द 1917 रूल रिवॉल्यूशन। तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर केरनेस्की। 47 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 47 ऑप्शन बी एनके सिंह। 48 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो 48 का ऑप्शन नंबर जस्टिस एम एन वेंकटचलैया। 49 है हॉलीवुड एक्टर सर सियान कॉनरी हु डाइड रिसेंटली वाज पॉपुलरली नोन फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ द रोल ऑफ। 49 ऑप्शन नंबर डी जेम्स बॉन्ड। 50 है द फेमस मैथमेटिक्स श्रीनिवास रामानुजन वाज बॉर्न इन। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है ईरोड केरला। 51 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी पी मंडल। 52 है विच फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीआई इन 2019। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राहुल द्रविड़। 53 है विच कंपनी हैज अपॉइंटेड मिस्टर रंगनाथन राघवन एसेट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो 53 का ऑप्शन नंबर है विप्रो। नेक्स्ट आपका 54 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज शिंजो आबे हु विजिटेड इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2017 द प्राइम मिनिस्टर। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी जापान। क्वेश्चन आपका 55 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड गोदावरी गौरव फॉर एक्सीलेंस इज प्रेजेंटेड। तो 55 का ऑप्शन नंबर है पॉलिटिक्स। 56 है वेयर डिड फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज इनॉग्रेटेड पानिनी लैंग्वेज लैबोरेटरी इन अगस्त 2018। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। 57 है इमर्सन मनन गावावा वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 2017। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे। ठीक है नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन। अभी आपके जो है शक्तिकांत दास है। ठीक है इस बार आदि का रघु अभी 2022 में रघुराम अभी जो है शक्तिकांत दास है। 59 है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो 59 का राइट आंसर है
ऑप्शन में भी थॉमस अल्वा एडिसन 60 का है, वो इन्वेंटेड एरोप्लेन, तो आपका एरोप्लेन किसने इन्वेंट, ऑप्शन बी राइट ब्रदर। 61 है हु इज कॉल्ड रॉयल फील्ड इन स्पेस, ऑप्शन बी सोएब अख्तर। 62 है नेम द अमेरिकन फिल्म कार्टूनिस्ट हु क्रिएटेड मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक, तो 62 का ऑप्शन बी वाल्ट डिज्नी। 63 है पाब्लो पिकासो द फेमस पेंटर वाज, तो 63 फ्रॉम ऑप्शन बी स्पेनिश। 64 है प्रोफेसर मिल्टन फ्रेडमैन वाज द लीडर ऑफ, तो 62 ऑप्शन बी शिकागो स्कूल। 65 है Who has been appointed as the chairman of the 7th Central Pay Commission constituted by the Government of India in February 2014? So 65 ka option number C, Justice Ashok Kumar Mathur. 66 is the name of the train. The name of the train Shatabdi Express refers to the centenary of. So 66 ka right answer option number D, Jawaharlal Nehru. 67 hai, who became the Chief Minister of Tripura after the election held in February 2013? So 67 ka option number D, Manik Sarkar. 68 hai, Who was elected as the new chief minister of in Meghalaya after the assembly election 2013? So 68 का ऑप्शन नंबर मुकुल सांगमा। 69 है Who was the लोकायुक्त of Rajasthan? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सज्जन सिंह कोठारी। 70 है the birthplace of an iconic personality अमृत सर गिली, तो 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हंगरी। 71 है पंडित शिव कुमार शर्मा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ, तो 71 का ऑप्शन में भी संतूर। 72 है फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली वाज, ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 73 है इन फरवरी 2018 अभिलाषा कुमारी वाज स्वॉन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द डैश, शी वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय गवर्नर नजमा हिफाजतुल्ला एज द राजभवन, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर हाईकोर्ट। 24 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द साहित्य अकादमी 2018, तो 24 का ऑप्शन में चंद्रशेखर कंबार। 25 है नेम द ब्रिटिश बिलियनियर ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज करंटली चैलेंजिंग मार्केट लीडर टेस्ला फॉर मेकिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी, तो 75 का ऑप्शन में संजीव गुप्ता। 26 है व्हाट इज सेरिन बान नोन फॉर, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी इंडियन जर्नलिस्ट एंड न्यूज एंकर। 77 है हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, तो 77 का ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। 78 है ऑल एज ऑफ अगस्त 2018 हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पवन कुमार चामलिंग। 79 है इन जनवरी 2018 हु वाज अपॉइंटेड एज द एडिटर ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, तो 79 का ऑप्शन नंबर सी गोपाल गुरु। 80 है हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 80 का ऑप्शन बी ईएसएल नरसिम्हन। 81 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, 81 का ऑप्शन नंबर सी वाईबी रेड्डी। 82 है हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज द ब्रांड एंबेसडर ऑफ निर्मल भारत अभियान, 82 का ऑप्शन बी विद्या बालन। 83 अफगानिस्तान फर्स्ट लेडी गवर्नर, 83 का ऑप्शन बी मसूमा मुरादी। 84 है हु हैज बीन स्वॉन इन एज यूनियन रेलवे मिनिस्टर आफ्टर द डिग्नेशन ऑफ दिनेश त्रिवेदी, 84 का ऑप्शन नंबर सी मुकुल रॉय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, आपका कमीशन और कमिटी है तो आपको मिलाना है इसमें, तो 85 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 2341, तो एक आपका हो जाएगा 2, ए का 2, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, तो सचर कमिटी था सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, तो सचर कमिटी किसके लिए था, सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। श्री कृष्णा कमीशन किसके था, तो बॉम्बे कम्युनल वर्ल्ड 1992। रघुनाथ मिश्रा कमीशन, तो रघुनाथ मिश्रा कमीशन लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया। नानावटी कमीशन एंटी सिख वर्ल्ड 1984। नेक्स्ट 86 न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो 86 का ऑप्शन नंबर नीलम कपूर। 87 हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृपलानी। यहाँ पर जो है 88 है सुनीता विलियम्स, 88 का ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉट। 89 है हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, 89 का ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 90 है पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड विद, तो 90 का ऑप्शन नंबर है सी क्लासिकल म्यूजिक। 91 है द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज स्विच टू स्टेन रिवॉल्यूशन बाय, तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैंडमार्क। 92 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन गांधी ए लाइफ इन नेचर,
तो 92 का ऑप्शन सी जयराम नरेश, 93 है डॉक्टर उजित पटेल हु हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वाज होल्डिंग विच पोजीशन इमीडिएटली प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन बी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। 94 है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज नॉट ए गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी अरविंद सुब्रमण्यम। 95 है हु इज अरुणिमा सिन्हा, तो 95 का ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इंडियन फिजिकली चैलेंज लेडी टू स्केल एवरेस्ट। 96 है इन दिसंबर 2017 विच इंडियन मिनिस्टर लॉन्च्ड ए न्यू स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर कॉल्ड सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग मंगलुरु, तो 96 का ऑप्शन बड़ी निर्मला सीतारमन। यह क्वेश्चन नंबर 97 है हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ऑफ अगस्त 31, 2018, तो आपका 2018 के हिसाब से 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अरुण जेटली। अभी आपका 2022 में निर्मला सीतारमन है। 98 है पॉल एलन हु डाइड इन अक्टूबर 2018 वाज द को फाउंडर ऑफ, तो 98 का ऑप्शन में सी माइक्रोसॉफ्ट। 99 है इन 2018 विच इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ रिसर्च डिपार्टमेंट, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। 100 है हु बिकम फर्स्ट फीमेल, 100 है हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी हलीमा याकूब। 101 है हितेंद्र देसाई वाज ए नोटेड फिगर इन विच फील्ड, तो 101 का ऑप्शन मर्सी पॉलिटिक्स। 102 है वाई जगमीत सिंह इज इन न्यूज, तो 102 का ऑप्शन नंबर है ही इज इलेक्टेड लीडर ऑफ कनाडा न्यू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। 103 है हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो 103 का ऑप्शन में भी अरविंद सुब्रमण्यम। 104 है हु वाज अवार्डेड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन, तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सीएम सुराबी। 105 है हुज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, 105 का ऑप्शन डी के सिवान। 106 है हु इज द फर्स्ट वुमन एडवोकेट हुज नेम हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन में सी सुजाता बी मनोहर। 107 है पीएम मोदी बर्थडे हैज प्रीसीडेड डैश अक्रॉस डे, तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन बी सेवा दिवस। 108 है हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द हिंदी वर्जन ऑफ बिग बॉस 11, तो 108 का ऑप्शन बी सलमान खान। 109 है द फेमस एक्टिविटीज इरोम चानू शर्मिला इज बेटर नोन एज द आयरन लेडी ऑफ, 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मणिपुर। 110 है द नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हु हैज ऑनर्ड विद द ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2017, 110 का ऑप्शन नंबर डी के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है एज ऑफ जुलाई 2018 हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो 111 का ऑप्शन बी सुषमा स्वराज। 112 अन्ना राजा मल्होत्रा हु डाइड इन 2018 वर्क, 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट फीमेल इंडियन आईएएस ऑफिसर। 113 हु ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज टू एस डिंग एक्सप्रेस, 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हिमा दास। 114 हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज नॉट ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 114 का ऑप्शन बी अश्विन अरोड़ा। फिर आपका 115 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इज नेम्ड इन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन यूके इंडिया रिलेशन सेलिब्रेटिंग वुमेन्स इंग्लिश, 115 का ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। 116 है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम्स, 116 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। 117 है हु हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन जुलाई 2019, 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी अंशुला कांत। 118 है एज ऑफ जून 2019 हु इज द सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्लव महापात्रा। 119 है हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, 119 का ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर। 120 है अमित शाह कॉन्टेस्टेड द लोकसभा इलेक्शन 2019 फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर। 121 है एज ऑफ जून 2019 हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, 121 का ऑप्शन नंबर डी के सिवन। 122 है द फेमस डांसर चेमा चेरी, द फेमस डांसर चेमा चेरी कुनी रमन नैयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कथकली। 123 एज ऑफ जून 2019 हु इज द सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो 123 का ऑप्शन में राज किरण राय जी। ठीक है, जिस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।